यहाँ के एक छात्र मेहुल चौकसी नरेंद्र मोदी पर पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने इस पर थीसिस जमा भी कर दी है। इसके लिए मेहुल ने सरकारी अफसरों, किसानों और छात्रों समेत 450 लोगों से बात की। मेहुल इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उनके नाम का ही एक भगोड़ा बिजनेसमैन हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा है और सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी है। राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट है मेहुल। मेहुल ने वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अपनी थीसिस जमा की है। उनके शोध का नाम लीडरशिप अंडर गवर्नमेंट के स्टडी ऑफ नरेंद्र मोदी है। मेहुल राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट है। मेहुल ने 450 लोगों से मोदी के बारे में जानकारी हासिल की। उनके मुताबिक मैंने 32 प्रश्न तैयार किए थे। 450 में से 25% लोगों ने मोदी के भाषणों पर भरोसा जताया, वहीं 48% लोगों ने मोदी की पॉलिटिकल मार्केटिंग को सर्वश्रेष्ठ बताया। चौकसी वकील भी हैं। उन्होंने वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीलेश जोशी के मार्गदर्शन में पीएचडी की है। मेहुल ने पीएचडी की शुरुआत तब की थी जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने लोगों से मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के भी सवाल पूछे थे। इसको लेकर 51% लोगों ने सकारात्मक और 34.25% लोगों ने नकारात्मक जवाब दिए। 46.75% लोगों ने कहा कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक नेता को लोगों के फायदे से जुड़े फैसले लेना चाहिए। 81% ने कहा सकारात्मक सोच वाला हो प्रधानमंत्री। चौकसी के मुताबिक 81% लोगों ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री होने के लिए जरूरी है कि वह सकारात्मक सोच वाला हो। 31% लोगों ने प्रामाणिकता तो 34% ने पारदर्शिता को अहमियत दी। डॉक्टर नीलेश जोशी के मुताबिक पीएचडी का विषय काफी इंटरेस्टिंग था। जानकारियां जुटाते वक्त काफी चुनौतियां भी आईं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर होता है तो निष्पक्ष होकर बात कहना मुश्किल होता है।